स्नान करना था ना, तो अब लगा डुबकी। आप कहाँ जा रहे हैं बालाजी? हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, संभव है कि भोजन में हमने कुछ अनुचित खा लिया है। ज्यादा दूर मत जाइए। यदि इसकी सहायता की ना तो स्वयं की सहायता करने के योग्य नहीं रहोगे। यहां पर कोई भी बाजी की सहायता नहीं करेगा और यह हमारा आदेश है, और इस आदेश की अवहेलना करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा, समझ ला? अगर वस्त्र चाहिए तो इसी हाल में आके ले जाओ। हमें किसी भी स्थिति में शाहू जी तक धना जी से पहले पहुंचना है। मल्हारी, ध्यान से सुन, आदेश यह है कि कोई व्यक्ति बाजी की सहायता नहीं कर सकता। यह आदेश मुझ पर लागू होता है, तुझ पर नहीं, क्योंकि तू अश्व है मल्हारी, व्यक्ति नहीं। जा, जाकर बचा ले अपने भाई को। जा मल्हारी, जा। प्रभाकर राव ने जो किया है उसे उसका मूल्य चुकाना होगा। हम राजस पाई हैं, तारा रानी साहिब की सपत्नी। हमने दीवार के उस ओर से आपकी और तारा रानी की सारी बातें सुन ली। हम आपका दुख समझ सकते हैं,
आप और आपका परिवार तो कुछ समय से ही तारा रानी की बनती है, परंतु हम और हमारा पुत्र वर्षों से तारा रानी की बनती है। साहब आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पुत्र सांभाजी सिंहासन के उत्तराधिकारी बन सकते हैं, इसलिए। अहोपन, आपके पुत्र तो रानी साहब के लिए भी पुत्र समान होंगे। पांडव भी गांधारी के पुत्र जैसे ही थे, पर फिर भी गांधारी ने दुर्योधन को उनके साथ युद्ध करने से नहीं रोका। पुत्र जैसा होने और पुत्र होने में बहुत अंतर है। आप तारा रानी साहब को नहीं जानती, वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने जो आदेश शाहू जी के लिए आपके पति को दिया है, यदि उस आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो वो आपके पति के प्राण भी ले सकती है। मैंने दाल चावल साफ किए और मैंने अपने हाथों से गाय का दूध निकाला और मैंने और चिन्ना बाबू ने सब कुछ मिलकर पकाया। आई, तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? नहीं, वो तुम दोनों अचानक से एकदम अंदर आ गए ना, तो चौंक गई बस। चल अब खाना खा ले। हो पता नहीं इन्होंने क्या निर्णय लिया होगा। बालाजी कहाँ रह गए? बालाजी, बालाजी, बालाजी। धनाजी, उनकी अनुपस्थिति में हमें ये कौन बताएगा कि साहू जी असली साहू जी है या कोई बहरूपिया? आज क्यों हम पहली बार आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का साहस नहीं कर पा रहे थे ना जी? क्यों आज पहली बार हृदय में द्वंद है कि हमारी निष्ठा सिंहासन के प्रति है या देश के प्रति? बालाजी ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी है। जल्दी नर्मदा की तरफ कूच करो। में भोजन तो ऐसे मिलता है कि लड़ने की इच्छा तो छोड़ दो, जीवित रहने की भी इच्छा समाप्त हो जाए। ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा है दुश्मन का वार खा लिया जाए। कष्ट दोनों में बराबर होता है, पर वार खाने वाला कम से कम वीर तो कहलाता है। इस भोजन को इतनी प्रसन्नता से तो पशु भी नहीं खा सकता। तू जरूर कुछ और खा रहा है। भोजन तो वही है, बस भोजन का स्वाद बदल गया है। इस चूरण के द्वारा। चूरण? भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाला चूरण, ये मेरी आई ने मुझे दिया था। ए, इधर आ इसे। मीका देव, ए इधर ला, बोलो ना इधर ला, छोड़, थोड़ी से, चूरन चाहिए, अबे स्वादिष्ट चूरन पर तेरा नहीं, मेरा अधिकार है। थोड़ा तो दे दो। चूरन चाहिए? ये ले, ले। ये तो धूल है।
जी सही पहचाना आपने। वो क्या है ना, हमारा संस्कार कहता है कि अत्याचारों को धूल चटा दो, पर हमारी संस्कृति कहती है कि अपने मराठी भाइयों पर वार करना उचित नहीं। तो मैंने संस्कृति और संस्कार दोनों का मान रखा, आप पर वार भी नहीं किया और आपको धूल भी चटा दी। शांतवा, अपने वरिष्ठ अधिकारी को विष दिया। विष? ये धूल है जिससे उनकी आंतों में घाव हो सकते हैं या उनकी जान भी जा सकती है। ये मिट्टी है जिसे गांव के बच्चे खेल खेल में खा जाते हैं। आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको खाकर दिखाता हूँ। तुम अगर विष भी पी लो तो किसी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा बाजी। प्रभाकर राव अधिकारी है और तुम एक सैनिक भी नहीं हो, मात्र बोझ ढोने वाले एक खच्चर हो। तुमने उनके प्राण संकट में डाले, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रभाकर राव जी एक ऊंचे अधिकारी अवश्य है चंद्रसेन जी, किंतु इनका व्यवहार बहुत नीचा है। इन्होंने बाजी को अनुशासित नहीं किया, उसे प्रताड़ित किया है। ये केवल बाजी के ही विरोध का असर है कि हर कोई यहाँ पे अपना ही राग आलाप रहा है, परंतु आज हम इस विरोध को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। आप चाहे बाजी को कितने भी दंड क्यों ना दे दे चंद्रसेन जी, कुछ नहीं होगा। आपके दंड बाजी के शरीर को तोड़ सकते हैं, उसकी आत्मा को नहीं। भाई दाई, यदि मैं बाजी को दंड दूंगा तो केवल उसके शरीर पर चोट लगेगी, परंतु दंड अगर तुम दोगे तो चोट उसकी आत्मा पर लगेगी। आज मारने वाला भी रोएगा और मार खाने वाला भी। यदि तुमने मना किया तो मैं तुम दोनों को ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी आई भी तुम्हारा चेहरा पहचानने से इनकार कर देगी। उस पर प्रहार करो मल्ला। प्रहार करो मल्ला। नहीं बाजी, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। हमारी मित्रता मेरे हाथ को रोक रही है बाजी। मैं उसी मित्रता की सौगंध, मुझ पर प्रहार करो। प्रहार करो मल्लार। जमुना बाजी। प्रहार करो मल्लार।
वो युद्ध हार सकता है पर स्वाभिमान नहीं। बाजी शत्रु का वार सह सकता है अपनों का नहीं। मैंने इससे इसका परिवार तो छीन ही लिया, अब इससे इसके मित्र भी छीन लूंगा। आप अवश्य आएंगे। मुझे मेरे बच्चों की सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही है। मैं इनके बाबा को जानती हूँ। उन्हें संसार में सबसे अधिक प्रेम अपने देश से है। उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, पर मेरा हृदय कहता है वो शाहू जी को बचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो साहब मेरे बच्चों को, वो पहले ही मेरे सबसे बड़े बेटे को दूर भेज चुके हैं। हम यहाँ स्वयं बंदी हैं, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते राधा भाई? यदि आप हमें यहाँ से बाहर निकलने में सहायता करें तो हम आपको और आपके परिवार को यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं। और यहां क्या कर रहे हैं? मराठी है, आपको मारने आए थे। शहंशाह आजम ने सही फरमाया था कि आपके अपने ही आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। शाहू जी, मुगल हो या मराठी, तख्त पाने के लिए इंसान दूसरों की भी जान ले सकता है और अपनों की भी। आपकी जान भी कोई आपका अपना लेगा। बख्श का खेमा यहाँ से केवल एक पहर की दूरी पर है। वहां तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता इस संकरे मार्ग से होकर जाता है। आदेश क्या था हमारा? मैंने आपके आदेश का पालन किया चंद्रसेन जी। दे दिया मैंने दंड बाजी को, और उस दंड के निशान आप उसके शरीर पर देख सकते हैं।
आपके आदेश का पालन करके मैंने एक सैनिक का कर्तव्य निभाया, अब मैं एक मित्र का कर्तव्य निभा रहा हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.